हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। तो हम देखेंगे आज इथेनॉल कैसे बनाते हैं, बाय फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या होती है? जब हम शुगर से या स्टार्च से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब शुगर से या स्टार्च को ब्रेक डाउन करके एनर्जी डराइव करते हैं अपने सेल्स के लिए, लिविंग सेल्स के लिए, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। तो ग्रेट, तो हम फर्मेंटेशन किस चीज की करते हैं? शुगर की या फिर स्टार्च की। इसका क्या होता है? सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, C6H12O6 में, और इसकी फर्मेंटेशन फिर होती है C2H5OH में, दैट इज इथेनॉल। तो क्या हुआ? सबसे पहले शुगर को या स्टार्च को, जो भी है, शुगर मान लो, वाटर में डिसॉल्व किया और साथ यीस्ट डाली। अब ये जो मिक्सचर है किस किस चीज का? शुगर प्लस वाटर प्लस यीस्ट। एक सेकेंड, इसमें क्या क्या है? अभी मिक्सचर में शुगर है, वाटर है और यीस्ट है। तो इस मिक्सचर में अब क्या है? इस मिक्सचर को हमने एक बड़े से टैंक में डाल दिया, ठीक है। ये मिक्सचर डाल दिया शुगर प्लस H2O विच इज वाटर प्लस यीस्ट। अब ये जो कंटेनर है इसमें ऑक्सीजन नहीं है, एयर टाइट कंटेनर है। प्लीज नोट, फर्मेंटेशन हमेशा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। सो यहाँ पे देयर इज एब्सेंस ऑफ O2, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। और अब हमने क्या किया? इसे कुछ दिनों के लिए, फ्यू डेज के लिए छोड़ दिया। अब इसमें एक चीज जरूरी है, इस टैंक में हमें टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होगा 25 to 35 degrees Celsius। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले जो शुगर या स्टार्च से ग्लूकोज बन रहा है, जो शुगर या स्टार्च से आपका ग्लूकोज बन रहा है, वो बनाने के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? ये जो ब्रेक डाउन है शुगर का या स्टार्च का, तुम्हें ग्लूकोज, उसको कैटलाइज करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट। और इसमें क्या है, 25 to 35 हम इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि 35 डिग्रीज पे, 37 डिग्रीज से ज्यादा पे जब टेम्परेचर है तो एंजाइम्स डीनेचर कर जाएंगे, मतलब मर जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। कैटलिस्ट के साथ ये प्रोसेस कुछ दिन लेता है, इट टेक्स अ फ्यू डेज। तो ये प्रोसेस नेचुरली स्लो प्रोसेस है, इसमें कैटलिस्ट होना जरूरी है, इसीलिए भी मेंटेन द टेंपरेचर 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। 25 से अगर कम किया तो फिर क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। तो क्या होगा? सबसे पहले यीस्ट फर्मेंट करेगी, ब्रेक डाउन करेगी शुगर या स्टार्च से ग्लूकोज। फिर क्या होगा? उस ग्लूकोज से C6H12O6 से इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, टेम्परेचर कितना? 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा? इथेनॉल C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें जो इथेनॉल है क्या है? इसमें सिर्फ इथेनॉल और वाटर है। वाटर कहाँ से आया? जब ये ग्लूकोज किससे बना है? शुगर से या स्टार्च से। याद करो पहले से, तो शुगर स्टार्च को वाटर में डिसॉल्व किया, तो वो वाटर यहाँ पे है। फिर इसे अलग कैसे किया? बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट्स अलग है। इथेनॉल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा यहाँ पे? इसको हम हीट करेंगे 78 डिग्रीज पे, इसकी गैस बन जाएगी और ये कंडेंसर में चल जाएगा, कंडेंसर में लिक्विड इथेनॉल बन जाएगा।
और बॉडी लिक्विड जाएगा दूसरे कंटेनर में। जब 100 डिग्री तक आएगा तो हीटिंग रोक दो ताकि इसका लिक्विड ना बन पाए। यहाँ पे लिक्विड वाटर है, यहाँ पे लिक्विड इथेनॉल है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, ये रिएक्शन कैसे किया है? सबसे पहले शुगर या स्टार्च को पानी में डिसॉल्व किया है, यीस्ट ने उसका ग्लूकोज बनाया, फिर यीस्ट ने एनारोबिक रेस्पिरेशन की बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपने लिए इस ग्लूकोज एनर्जी डिराइव की सेल के लिए, और क्या हुआ, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब ये रिएक्शन खत्म कब होती है? जब यीस्ट, जब जैसे मान लो 100 सेंटीमीटर क्यूब आपका रिएक्शन मिक्सचर है, तो इसमें जब 15 सेंटीमीटर क्यूब 15% इथेनॉल हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब रिएक्शन मिक्सचर से जब 15% इथेनॉल बन जाएगा, राइट, मतलब जब 15% यील्ड हो जाएगी, तो फिर यीस्ट किल ऑफ हो जाती है और रिएक्शन रुक जाता है। मतलब इस रिएक्शन में इथेनॉल की यील्ड 15% से कम ही होगी, या तो कम होगी या इक्वल होगी। इसीलिए ये जो प्रोसेस है ज्यादा यील्ड नहीं देता है। और एक बार हो गया तो यीस्ट भी किल ऑफ हो गई, ग्लूकोज भी खत्म हो गया, ऑलमोस्ट थोड़ा सा बचा है, तो इथेनॉल निकाल लिया, ग्लूकोज भी खाली कर देते हैं, तो पूरा रिएक्शन दोबारा शुरू करना पड़ता है। दोबारा यीस्ट डालो, दोबारा ग्लूकोज डालो, दोबारा रख दो, दोबारा छोड़ दो, फिर कुछ देर हो गए, बन गया तो निकाल लो, फिर खाली कर दो, फिर दोबारा यीस्ट डालो, दोबारा ग्लूकोज, चलता रहता है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल अ बैच प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्या है, एक बार रिएक्शन हो गया, हो गया, अब आपको सब कुछ एम्प्टी करके, रिएक्शन वेसल को एम्प्टी करके दोबारा प्रेशर स्टार्ट, रिएक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रोसेस दोबारा कर स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। अब क्या है, अब इस प्रोसेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। मैं ए लिखूंगी एडवांटेज के लिए और डी लिखूंगी डिसएडवांटेज के लिए। तो सबसे पहला देखिए, इसमें वेसल कैसे चाहिए होगा आपको? इसमें आपको, हमको पता है सर, में कैसा वेसल चाहिए जो एयर टाइट रहे, ऑक्सीजन ना आए, जिसमें आप यीस्ट डाल सको और ग्लूकोज डाल सको। मतलब इसमें बहुत सिंपल वेसल चाहिए, एक बड़ा सा बस, सिंपल। तो दिस इज एन एडवांटेज कि इसमें कुछ ज़्यादा ही एडवांस हाईटेक इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता। अब इसके रॉ मटेरियल्स क्या है, हमने रिएक्शन कैसे, हमने इथेनॉल किससे बनाया है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज कहाँ से आया है, शुगर से या स्टार्च से? शुगर या स्टार्च कहाँ से आई है, शुगर केन से। शुगर केन आपका इस केस में रॉ मटेरियल है, एंड वी नो शुड रॉ, ये रिन्यूएबल है, हम फील्ड्स में और ग्रो कर सकते हैं, तो इसका जो रॉ मटेरियल है इट इज रिन्यूएबल, है ना, तो इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, डज नॉट डिपेंड, है ना, राइट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। तो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ब्राज़ील में प्रोसेस ज़्यादा होता है, बिकॉज ब्राज़ील में आपको पता होगा शुगर केन बहुत ग्रो करती है, वहाँ पे शुगर केन की बहुत ग्रोथ होती है, तो इसीलिए वहाँ पे जो मतलब विस्की वगैरह बनती है, विस्की वगैरह में आपको पता है इथेनॉल डालता है, तो ये जो इथेनॉल वगैरह बनता है ये फर्मेंटेशन से वहाँ बनता है, क्योंकि वहाँ पे शुगर केन ज़्यादा ग्रो होती है, तो उससे ज़्यादा शुगर या स्टार्च निकलेगा, उससे ग्लूकोज ज़्यादा निकलेगा और उससे इथेनॉल ज़्यादा निकलेगा, राइट। सो इसमें तो ये आपके एडवांटेज है कि जो रॉ मटेरियल है दैट इज शुगर केन, वो रिन्यूएबल है। फिर इसके डिसएडवांटेज मेजर ये है कि एक बैच प्रोसेस है, एक बार सब कुछ आप डाल दोगे उसमें रिएक्शन वेसल में, फिर रिएक्शन हो जाएगा, तो रिएक्शन जब हो गया, निकाल लिया, तो दोबारा शुरू करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, फिर दोबारा उसमें ग्लूकोज डालोगे, दोबारा यीस्ट डालोगे, दोबारा शुगर या स्टार्च डालोगे, दोबारा पानी डालोगे, तो पूरा आपको रिएक्शन शुरू से शुरू इसमें करना पड़ेगा। ये एक बैच प्रोसेस है, विच इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज, है ना। इसकी वजह से एक और डिसएडवांटेज आ जाती है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो है, ये बहुत स्लो रिएक्शन है, इसमें काफ़ी दिन लगते हैं एक बैच बनने में। फिर इसमें एक ये होता है कि इसकी यील्ड बहुत लो होती है, लो यील्ड, कहाँ डालो, यहाँ डालो, लो यील्ड, ये इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि इसमें यील्ड बहुत कम आती है। मैंने आपको बताया था 15% से ज़्यादा नहीं आ सकती, आउट ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब रिएक्शन मिक्सचर सब मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर क्यूब इथेनॉल ही बन सकता है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इस
जो आएगा आपको वो डाइल्यूट इथेनॉल आएगा, ज्यादा सेपरेशन का काम नहीं करना है। जो इथेनॉल आएगा बस उसको थोड़ा सा डिस्टिल करना है, विच इज एन इकोनॉमिकल प्रोसेस, बाकी ऑलमोस्ट प्योर प्रोडक्ट है, दिस इज अ एडवांटेज। लेकिन अब फर्मेंटेशन की रिएक्शन पे कार्बन डाइऑक्साइड, समथिंग जिसको हमने अब तक ज्यादा टेंशन नहीं दी है, ये ग्रीन हाउस गैस है। मतलब ये क्या करती है, जो सन से हीट आ रही है उसे ट्रैप कर देती है, बाहर नहीं जाने देती है। अर्थ बहुत गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं इसे। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा रिलीज हो रही है, ग्रीन हाउस गैस है, ज्यादा ये रिलीज हो रही है, सो यहाँ पे दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, टू ग्लोबल वार्मिंग, टू पोल्यूशन। ये डिसएडवांटेज है कि इसमें ग्रीन हाउस गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। दिस इज एडवांटेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, एडवांटेज। अब इसमें रिएक्ट, सॉरी डिसएडवांटेज, अब इसमें रिएक्शन कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं, सो इसमें जो टेम्परेचर चाहिए वो बहुत ही कम है। मैंने बताया था 25 degrees Celsius, उस पर यीस्ट डालते हैं, फिर मिक्सचर को फर्मेंट करते हैं 25-35 डिग्रीज के बीच में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में ना फ्यू डेज, फिर यीस्ट को एंजाइम्स में डालते हैं। एंड यीस्ट में क्या होती है, एंजाइम्स होती हैं जो स्टार्च के या शुगर के ब्रेकडाउन को ग्लूकोज बनाने के लिए कैटलाइज करती हैं, राइट। अब क्या होगा, यीस्ट एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगी, ग्लूकोज से इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। और फिर जब कॉन्सेंट्रेशन एक स्पेसिफिक उस तक पहुँच जाती है, ग्लूकोज खत्म हो जाता है, तो फिर यीस्ट किल ऑफ हो जाती है, रिएक्शन दोबारा शुरू होता है। अगर लिखने का प्रॉपर देखा जाए तो मैंने नोट्स बनाए हैं, आप इनका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।